अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि नेमतुल्लाह शाहवली के हवाले से हमने ब्रास टैक्स में जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके 3 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज उस सिलसिले की 4थी कड़ी है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज के एपिसोड इंतहाई दिलचस्प है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग अवेटेड वन जिसका हमने बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया। इनफैक्ट जितना भी कॉन्टेंट हमें मौजूद हमें मिला है आप लोगों की जानिब से, हमने चूंकि रिक्वेस्ट की थी कि नेमतुल्लाह शाहवली के हवाले से अगर आपके पास किसी भी किस्म का मैन्यूस्क्रिप्ट या कोई भी रिसर्च मटीरियल हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम बहुत सारे वाकया डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान बनने से पहले के, और आज पाकिस्तान बनने के बाद के जो वाकयात हमें मिलते हैं उनकी तसनीफें उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट में वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस होंगे और मेरे लिए भी। आइए जैद साहब से जानते हैं। जी जैद साहब। जी मारूफ, जैसे आपने कहा कि पिछली मरतबा हमने पाकिस्तान बनने तक के वाकयात डिस्कस किए थे, जो वो तमाम वाकयात की जिनमें नेमतुल्लाह शाहवली ये फरमाते हैं कि ईसाई हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, मुसलमानों की इज्जत और नामूस का बहुत नुकसान होगा और बहुत खुनरेज फसादात होंगे, बहुत कत्ल गारत होगा, इतना फसाद फैलेगा, वो सारे वाकयात तो पाकिस्तान बनने तक हो गए। और उसके बाद के जो वाकयात हैं बुनियादी तौर पर जो मेजर लैंडमार्क्स हैं पाकिस्तान की तारीख के, अगर आप ये देखिए कि 1947 से लेकर तकरीबन 1965 की वॉर तक बीच में पाकिस्तान के सिर्फ इंतजार रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप कोई मायने नहीं रखती है, मेजर लैंडमार्क इवेंट्स की बात की जाती है। पाकिस्तान किसी हद तक अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा, हुक्मरान जो आते रहे उनके फैसले उनके अहकाम, अगर आप कुदरतुल्ला शहाब की शहाबनामा पढ़िए उठाकर, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो फसादात बरपा होते रहे पाकिस्तान में उनकी सारी तारीख आपको शहाबनामे में मिल जाती है, स्मॉल इवेंट डिटेल्स। और चाहे वो लोग फौजी हुक्मरान हो चाहे वो सियासी हुक्मरान हो, जिस किस्म की बेमानी कार्रवाइयां उस वक्त पाकिस्तान में हो रही थी, चंद एक अच्छे काम भी हुए, लेकिन ज्यादातर तो जिस तरह हम लोगों ने अपने तारीख को अपने इकदार को अपनी वैल्यूज को अपनी आइडियोलॉजी को और जो जाया किया, और जिस तरह के हुक्मरान आए कि जिन्होंने पाकिस्तान को जाती जागीर समझ के इस्तेमाल करना शुरू किया, अंटिल वी रीच 1965 जब एक जंग शुरू होती। तो नेमतुल्लाह शाहवली जब पाकिस्तान बनने के बाद के जो वाकयात बयान करते हैं, और जैसे आपने अर्ज किया कि हमने कई मुख्तलिफ कसीदे जो उनके बिखरे हुए हैं और फैले हुए हैं, कई मुसवदे हमारे पास हैं मुख्तलिफ, और उनके मुख्तलिफ शेर हैं, मुख्तलिफ उनके जो कसीदे हैं उनमें मुख्तलिफ फारसी की गर्दान है, निबाज पैदा शब्द वाले हैं कि वो चीज पैदा हो जाएगी, फसाद पैदा होगा, जिस तरह उन्होंने कुछ ये शेर ये कहे कि शोरिश और फितना फजू अज गुमा पैदा शब्द, बहुत फितना पैदा हो जाएगा गुमान से भी ज्यादा, जब वो कहते हैं गैरत से नाम गैरत और नामों से मुस्लिम राज ज्या पैदा शब्द, मुसलमानों की गैरत और नामोस को बहुत नुकसान हो जाएगा, ये पैदा शब्द वाली रदीफ में पैदा शब्द वाले अल्फाज में ये पूरा कसीदा है। इस तरह उनके बहुत सारे, एक है मी बिनम के नाम से, जिसको हर जुमले के आखिर में हर शेर के आखिर में मी बी मैं देख रहा हूं मुझे ये नजर आ रहा है मी बिनम, वो पूरी पूरा रदी पूरा काफिया उसका जो मी बिनम पे खत्म होता है जाके। और इसी तरह उनकी एक और भी है कि जो उनका जो शायरी का जो अख्ताम होता है वो ये कि उसमें आखिर में नून ये मकरज मकाना और इस किस्म के अल्फाज करके जाहिलाना और महमलाना, इस किस्म के अल्फाज के अख्ताम देखते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की ये इनकी कसीदे हैं, तो 3-4 कसीदे उनके हैं और एज वी सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिखरे हुए हैं। हमारे पास कुछ नुस्खे हैं ऐसे जो 100-100 साल पुराने हैं, यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले के, और उसमें ये लिखा हुआ है वेरी क्लियरली कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान पर 100 साल से कम या इस मुद्दत पे हुकूमत करेंगे, यानी कम अज कम पाकिस्तान बनने का मामला और 1857 से वो मामला था। बाकी जो अशार है उसमें अक्सरियत वो है कि जो हो चुके हैं वाकयात, और आइंदा आने वाले वाकयात जो बताए गए वो आइंदा मुस्तकबिल के हैं, मगर कुछ नुस्खों में हमको ये शेर भी मिलते हैं। वी आर फैसिनेटेड बाय देम टू बी ऑनेस्ट, हम चाहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए, इनकी तरतीब हमने खुद बनाई है इसलिए कि ये बिखरे हुए हैं हर जगह। जैसा कि आपने कहा कि वर्ड्स जो हमें आखिर में शेरों के मिलते हैं उससे हमने इनको रिलेट किया, फिर जो जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जितने भी नेमतुल्लाह शाहवली पर काम किया गया है वो एक इल्मी और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से किया गया है, जियो पोलिटिकल एनालिसिस के लिहाज से नहीं किया गया। मुसलमान चूंकि हिस्ट्री में और जियो पोलिटिक्स में कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रेंथ इनकी नहीं रही है, लिहाजा जो इवेंट्स हुए हैं उस पर खासे मुसलमान कंफ्यूज हुए कि ये कौन सा इवेंट है, ये हो चुका है या नहीं हुआ अभी या इसने होना है। हम भी एक इंटेलिजेंट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे, यानी इंटेलिजेंट असेसमेंट है ये कि ये वाकयात आज की दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए कि ये वाकयात
जो प्रेडिक्शन इन्होंने की है कहां मैच करती हैं, कहां मैप करती हैं, राइट right. और इसके लिहाज से वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बेस कि जो रिलेट करेगा आइंदा आने वाले वाकयात पे जो हमारे आसपास हमें नजर आ रहे हैं. सो पाकिस्तान बनने के बाद जो वाकयात इन्होंने बताए उसमें एक बड़ा खूबसूरत है. वो कहते हैं कि बेताज बादशाह हुकूमत करेंगे और ऐसे हुक्मरान ऐसे हुक्म जारी करेंगे कि जो बिल्कुल बेकार होंगे, फजूल अहकाम होंगे. यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इससे बेहतर डेफिनेशन और कोई नहीं है कि ये बेताज बादशाह हैं. अपने आप को फिरौन और कारून और हामान समझते हैं, बैतुल माल को इस तरह खर्च करते हैं जैसे मुगल शहंशाह सारे के सारे अपनी जाती जेब पे. जब ये कैफियत प्रैक्टिकली 1947-48 के बाद से जब से कायदे आजम का इंतकाल हुआ पाकिस्तान के हुक्मरानों की ट्रू नॉट अ डिक्टेटर, एक करप्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, यानी पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का ये आलम था. कैसे अहकाम जारी करते थे कि जिनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी. और अल्टीमेटली नेमतुल्ला जो पहला बड़ा लैंडमार्क देते हैं वो 65 की वॉर का देते हैं. यानी व्हाट ही सेज इज नागा मोमना राशवद पदीद आयद बकाफरा नुमाइन जंगे चू रुस्तमाना. अचानक मुसलमानों को एक जाहरी शोर सुनाई देगा और वो के साथ एक दलेराना जंग लड़ेंगे. अब पहली बड़ी जंग एक दलेराना जंग का मतलब है कि अब याद कीजिए 1965 की वॉर में कि जब पहली दफा हिंदुस्तान ने हमला किया, एक शोर हुआ मुसलमान के हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, अचानक जंग की. और अयूब खान की वो तकरीर जो 1965 में उसने की थी, आज भी अगर उस तकरीर को आप सुनिए तो इंसान का खून गर्म हो जाता है, जोश मारने लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर एक काफिर कौम ने हमला किया, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो. और दुश्मन को मालूम नहीं कि इसने किस कौम को ललकारा है. यानी एक ऐसी और जो दलेराना मजाहमत फिर की गई मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि उन 17 दिनों में ना कोई जुर्म हुआ, ट्रेन वक्त पे चलती थी, लोगों ने करप्शन बंद कर दी, जेल के कैदियों ने भी, कातलों डाकुओं ने भी अपना खून देने की कोशिश की कि मुजाहिदों के लिए खून अपना देंगे. एक स्पिरिट रिवाइव हो गई, एक ऐसी रूहानी डायमेंशन पूरी कौम इकट्ठी होती है उस मजाहमत को करने के लिए. कहने एक जाहिरी शोर मुसलमानों को सुनाई देगा और काफरों के साथ वो एक दलेराना जंग लड़ेंगे. सो दिस मैप्स टू 1965 जो इवेंट हुआ. इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वो बात करते हैं. कहते हैं कि इमेजिन कीजिए, नाउ ही गिव्स अ फिगर हियर आल्सो, अजलुत फे फजल यजदा बाद अज अय्याम हफ्ता, अल्लाह के कर्म और फजल से 17 दिन के बाद. ये 65 की वॉर 17 दिन, आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिस इज अ टू मच. अल्लाह के फजल और करम से 17 दिन के बाद बहुत ज्यादा कुर्बानियां, बहुत ज्यादा गाजियों की, मुजाहिदों की कुर्बानी देने के बाद मुसलमान सुरखरू हो जाएंगे. देखिए हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान पर, लाहौर पर कब्जा कर लिया जाए. बिल्कुल. जब दुश्मन अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका और एक सरप्राइज अटैक उसका मुसलमान रोकने में कामयाब हो गए इस बात के बावजूद कि हम बेखबरी में पकड़े गए थे, तो ये दुश्मन की नाकामी और हमारे लिए यही कामयाबी काफी है. हमने कोई दिल्ली कैप्चर करने का प्रोग्राम तो कभी भी नहीं बनाया था. बिल्कुल. उन्होंने लाहौर कैप्चर करने का प्रोग्राम बनाया था जिसमें वो फेल हुए. तो जब वो नाकाम हुए अपने इस कार्रवाई में, तो बड़ी कुर्बानियों के बाद 17 दिन की लड़ाई के बाद मुसलमान सुरखरू हो चुके होंगे, हो सकेंगे. और इसके बाद एक बड़ा हैरत अंगेज वाकया होता है कि जब सीजफायर होने लगता है, यानी उससे पहले एक और शेर वो कहते हैं कि क्योंकि जाहिर है जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो इतनी सख्त बेचैनी और बेकरारी मुसलमानों में फैल गई, बीबीसी ने खबर चला दी कि लाहौर फॉल हो गया है. इमेजिन करें पूरी दुनिया के मुसलमान रोए इसके ऊपर कि लाहौर, यानी उस ऐसे रूमर स्प्रेड हो गया. बीबीसी वो साइडिंग विद द इंडियन सेंटर, पूरे दुनिया के लोगों ने, मुसलमानों ने ब्रिटिश दुख मनाया, रोए. तो नेमतुल्ला कहते हैं कि दरहेन बेकरारी हंगामे इस्तरारी रहमे कुना चुवारी बरहाल मोमिनाना, इस बेचैनी में, तूफान में, परेशानियों में, दुख में जब मुसलमान इस्तराब का शिकार होंगे, अल्लाह रहम फरमा देगा. यानी तसल्ली आ गई, सुकून हो गया, पता लग गया मुसलमानों को, तसल्ली दे दी उन्होंने, तो पता लग गया मुसलमानों को पता लग जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल इतनी खराब नहीं है जितना दुश्मन प्रोजेक्ट कर रहा है इसको. 17 दिन के बाद एक पीस डील हो जाती है, यानी एक सीज फायर होता है. लेकिन उसको परमानेंट सीज फायर करने के लिए, पीस डील करने के लिए, अयूब खान और शास्त्री, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर शास्त्री, लाल बहादुर उनको ताशकंद इन्वाइट करते हैं रूसी, और रूस वहां पे एक डील होती है जिसके तहत ताशकंद का मुआहदा तय पाता है. उस मुआहदे में क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी उस पीस डील पर साइन कर देंगे, अयूब खान को मना किया था उस वक्त के बुजुर्गों ने, उस वक्त के जो अल्लाह के बंदे हैं जिनको अल्लाह ने स्पिरिचुअल विजन दिया था, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, सबने मना किया. कुदरतुल्ला शहाब ने यह पूरा वाकया शाहनामा में लिखा है कि मना किया गया अयूब खान को कि जाके पीस डील साइन मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त तकलीफ में है, इंडिया मुसीबतों का शिकार है, वो अंडर प्रेशर है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. इंडियन एयरफोर्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, दे कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, बाजी उनके ऊपर पलट गई थी.
तो पीस डील नहीं कीजिएगा। लेकिन वहां जाकर अयूब खान ने पीस डील साइन कर दी। उस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो थे और उनके इजारे फॉरन मिनिस्टर वो जुल्फकार अली भुट्टो, तो उनके कहने के ऊपर ये सारा सिलसिला हो गया। और लाल बहादुर शास्त्री खुशी के मारे, मतलब ही कुड नॉट बिलीव कि पाकिस्तानी जीती हुई बाजी इस तरीके इतना से अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड उसके लिए था कि उसको शादी मर्ग हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसको खुशी से और वो मर गया वहीं पे। और उसकी लाश वापस हिंदुस्तान आई। ये नेमतुल्ला शाह वली इस पूरे वाक्य को अपने अजीब शेर में बयान करते हैं, कहते हैं बकाल शबद अलम दारत मुल्क हाय कुफार फिर नार गश्ता कुफार व दर हालत दल कुफर हालत आना। हिंदू बनिया लफ बकाल इस्तेमाल किया उन्होंने अरबी में, आपको याद है कॉर्नर शॉप जो बकाला कहलाता है, बकाला होती है बकाला। तो यहां पर उन्होंने लफ इस्तेमाल किया बकाल, जो कि उनका लीडर होगा, जो कि झंडा लेके जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बनियों का प्राइम मिनिस्टर, बनियों का सरदार। उन्होंने जो लफ इस्तेमाल किया कि हिंदू बनिया काफरों के मुल्क में जाएगा अपना झंडा लेकर और कुफर की हालत में वही जहन्नुम रसीद हो जाएगा, वही मर जाएगा। यानी शास्त्री के मरने के बारे में ये प्रेडिक्शन के इस जंग के बाद जब हिंदू बनिया काफरों के मुल्क में जाएगा तो वहां पर वो हालत कुफर में मर जाएगा। एक और इवेंट उन्होंने यहाँ पे बताया, एक और इवेंट उन्होंने बताया, एग्जैक्ट वही पीस ताशकंद डिक्लेरेशन में हुई है। दिस वॉज प्रेडिक्टेड बाय बिल्कुल। एंड देन अनदर थिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड आफ्टर, बिकॉज ये जो ताशकंद की डील होती है इसके बाद वापस मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में बड़ी बेचैनी फैली, बिकॉज मुसलमान ये पाकिस्तानियों ने कहा कि ये एक जीती हुई बाजी थी, इंडियंस के साथ अभी पीस नहीं करनी चाहिए थी। और वाकई इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन कि जो भुट्टो ने एडवाइस किया था अयूब खान को, इट वॉज, क्योंकि ये अजीब बात है कि 65 की वॉर में भी और 71 की वॉर में भी हमारा फॉरन मिनिस्टर भुट्टो ही था दोनों मौकों पर। और जुल्फकार अली भुट्टो का ये बड़ा सस्पिशियस रोल है कि जो इन्होंने इन दोनों खास तौर पे जंगों के दौरान जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स थे और जब इनको इख्तियार दिया गया था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मरतब करें और दोनों मरतबा इस फॉरेन पॉलिसी में शदीद नुकसान पहुंचा। 71 में नुकसान उस वक्त पहुंचा जब जाके वो पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन में करारदाद फाड़ कर आ गए, इनको भेजा गया था कि वहां जाके पीस डील साइन करें, और यहां ताशकंद में इनको ये साथ गए थे इसलिए कि पीस डील नहीं होनी चाहिए, जबकि ये साइन करवा के पूरी। नतीजा ये हुआ कि वापस जब पहुंचे, जब गमो गुस्सा हुआ पाकिस्तानी कौम में, तो जुल्फकार अली भुट्टो और तमाम सियासी जमातों ने अयूब खान से अलहदगी इख्तियार कर ली और एक बगावत की तहरीक चल पड़ी पाकिस्तान में कि अयूब खान का तख्ता उलटना, अयूब खान को नीचे गिराना है। इसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान 1966 में अपने 6 पॉइंट्स देता है, जो बगावत के 6 पॉइंट्स होते हैं। मुजीबुर रहमान अलान बगावत करता है और उसकी साजिश पकड़ी चली जाती है अगरतला साजिश में, जिसमें पता लग जाता है कि ये इंडिया के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान, जितने भी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स होते हैं, वो मुजीबुर रहमान को सजा देने के बजाय अयूब खान के खिलाफ मुहिम चलाने मसरूफ होते हैं कि मुजीब की गद्दारी माफ कर देते हैं। इतनी बड़ी खौफनाक गलती होती है ये कौम के साथ कि ये प्रैक्टिकली मुजीब का साथ देते हैं सारे सियासी हुक्मरान कि जी जब तक मुजीब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा, मुजीब के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे और उस वक्त तक हम तहरीक चलाएंगे और बगावत बर्पा करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने, और खौफनाक, यानी अयूब खान उस हालात में मुजीब से बुरा तो नहीं था, मुजीब का साथ दिया गया अयूब खान को निकालने के लिए। नतीजा यह हुआ कि अयूब खान के निकलने के 3-4 साल का जो पीरियड था, अयूब खान इतना कमजोर हो गया अपने आप को सर्वाइव करने और बचाने के लिए कि कोई हुकूमत प्रैक्टिकली पाकिस्तान में उस दौर में थी नहीं, और इंडियंस को पूरा मौका मिल गया कि ईस्ट पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें, अपने एसेट्स फैला दें, मुजीब को स्ट्रेंथन कर दें, मुक्तिबानी कायम कर लें। वो सारा प्रोसेस बिटवीन 1965 एंड 1970 हुआ, जब भी हमने देखा कि 1971 में जब इलेक्शन हुए उसके नतीजे में पाकिस्तान ही टूट के अलग हो गया, तो वो सारी गलतियां जो की, जिसकी सजा हमको 71 में मिली, वो 65 की वॉर के बाद शुरू हो गई थी। 65 की वॉर में जो मौजे अल्लाह की तरफ से हुए थे, जो गैरमामूली गैबी ताकतें हमारे साथ लड़ रही थी, बुजुर्गों से पूछे जो बताते हैं कि खुद इंडियन कैदी गिरफ्तार हुए, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों की पाकिस्तानियों की इस फौज से खौफ खाते थे जो घोड़ों पर आती थी और जिसकी तलवारों से शोले निकलते थे। ये वाकयात हमारे अखबारों में किताबों में लिखे हुए हैं। कोई स्पिरिचुअल फोर्सेस थी, इंडियन फाइटर पायलट्स आते थे रावी के पुल पे बॉम्ब करने के लिए, वो कहते थे हमें 7 पुल नजर आते हैं, एक पुल नजर नहीं आता, किस पे बॉम्बिंग करें। ये सब अखबारात में, और ये डॉक्यूमेंटेड हैं सारे। जो रूहानी ताकतें उस वक्त हमारी मदद कर रही थी, उस सारी बरकत और फजल और करम को हमने जाया कर दिया आपस की फूट की वजह से। तो नेमतुल्लाह उस सारे प्रोसेस का जिक्र करते हैं गले गैर मामूली शेयर में, डायरेक्ट 1971 से पहले के बाद, ठीक है, राइट। उस सारे प्रोसेस को जो हमने ये बैकग्राउंड बताया उसका जिक्र वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान अपने अमीर को हुकूमत से उतार देंगे और उसके बाद मुसलमानों के हिस्से में खसारत, नुकसान और जिल्लत आएगी। ये बिल्कुल सही बात है, ये सारा प्रोसेस हुआ बिल्कुल के मोमिना मीर खुदरा सफिया तंजील सौजन बर मुसलमान बेअ तजील खौसराना,
مسلمان پر آئے گی ذلت بہت نقصان اٹھائیں گے مسلمان ایک حکمران جو کسی حد تک سٹیبل جا رہا تھا اس کی موجودگی میں ایک جنگ بھی ہم نے کسی حد تک سٹیبلائز کر لی تھی دشمن وہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکتا کون کا حوصلہ بلند تھا اگر اس نے ایک غلطی کی تھی تاشقند میں جا کے اور وہ ایک ڈیفینیٹلی کیسی غلطی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مجیب الرحمان کا ساتھ دیں اور حکومت چار سال تین سال حکومت کا تختہ اتارنے کی مہم ایسی چلی کہ سیکشن 9 وغیرہ تھا جب ایوب خان کا حکومت ختم ہوئی اس وقت تک ہم اتنے کمزور ہو چکے تھے داخلی طور پر انڈیا اتنا اسٹرینتھن کر چکا تھا کہ 70-71 کے الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی اور مجیب الرحمان کی جو پارٹیز تھیں وہ ساری حکومت لے گئی تو بہت شدید نقصان ہوا غلطی کی نشاندہی انہوں نے وہ پوری غلطی انہوں نے کی تھی کہ اس جنگ کے بعد مسلمان اپنے حکمران کو اتارنے کی جدوجہد میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ذلت آمیز شکست تکلیف ہوگی الٹیمیٹلی وکیٹ اور پھر نعمت اللہ اس سارے واقعے کو آگے ایکسپلین کر کے کہتے ہیں کہ قہر عظیم آئے بہر سزا کے شاید آخر خدا بساز یک حکم قاتلانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت سزا اور قہر آئے گا قہر نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے دیکھیے اب یہ انف واز انف اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب اس قوم کو ایک سخت سزا لگانے کی ضرورت ہے ادوار چرخی کے 23 دور گزریں گے اسلام کا نعرہ بلند رہے گا بعد ازاں بورت گرے قہر شاہ پیدا شبد اس کے بعد ایک سخت قہر نازل ہوگا 1947 سے لے کر 1971 تک 23 سال بنتے ہیں بالکل 23 سال تک یہ چرخی کے جو 23 دور چلیں گے بالکل اس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا لیکن اس کے بعد آغاز ہوگا مسلمانوں کا ایک بربادی کی تقدیر ظاہر ہوگی اینڈ وی کین سی دیٹ کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے اور پھر سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے دا فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر 71 ہماری تاریخ کا ایک بڑا قاتلانہ بڑا تکلیف دہ دن ہمارے لیے اب اس کو نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے بہت یہ جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا جان سے مارے جائیں گے گرتے پڑتے اٹھتے ہوں گے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ری گروپ کرنے کی کوشش ہوں گے اور ایک ہندو قوم جو نیزہ بند ہوگی ہتھیار لے کر مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوگی دیکھیں اس پاکستان میں اگزیکٹلی یہ ہوا کہ مسلمان سٹرگل کر رہے تھے ڈیسپریٹ تھے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہماری 40,000 کی آرم فورسز چاروں طرف بکھری ہوئی تھی مکتی بانی سے بھی لڑنا پڑ رہا تھا ہم کو لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز بھی چاروں طرف سے حملہ آور ہوئی تمام پوری طرح سے مسائل میں گر گئے اور مسلمانوں کے پاس کوئی سپلائی روٹس نہیں تھے کوئی ایئر پاور نہیں تھی ہمارے پاس کوئی آرٹلری کوئی آرمر نہیں تھا کوئی نیبل ہمارے پاس سپورٹ نہیں تھی ہم چاروں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ ڈپلومیسی ہمیں نہیں مل رہی تھی ہندو چاروں طرف سے گھیر کر ہم کو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے اور پھر کہتے ہیں اور دیکھیے عجیب و غریب شعر ہے مشرق شبد خراب ہے مشرق خراب ہو جائے گا مشرق شبد خراب ہے افتا شبن خزا سوری مشرق شبد خراب ہے از مکر ہیلا کارا مغرب و ہند گریا برفیل سنگ دلانا مشرق تباہ برباد ہو جائے گا اور مغرب اور ہند اس کے اوپر بہت روئیں گے ہند کا مطلب ہے مغرب کا مطلب ہے مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان پاکستان اور انڈیا کے مسلمان right. جو انڈیا کے مسلمان مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں وہ اس پر بہت بری طرح روئیں گے مشرق میں نقصان ہوگا مغرب اور ہند روئیں گے پاکستان exactly. ایسٹ پاکستان میں نقصان ہوگا مشرق کے مسلمانوں کو نقصان ہوگا اور مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان جو سنسیئر ہیں اللہ کے دین کے ساتھ وہ روئیں گے ہاؤ ٹرو یہ ایک سٹننگ ایکسپلینیشن ہے 1971 کے کرائسس کی جو ہم پر نازل ہوا جو ہمیں تکلیف ہوئی کہتے ہیں مسلمانوں کی جان اور جائیداد سستی ہو جائے گی اور گہرے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون جاری ہوگا 1971 میں جب مجیب الرحمان اور مکتی بانی نے 15 مارچ کے بعد اعلان بغاوت کیا تو ایک مہینے کے اندر اندر 6 لاکھ سے زائد ویسٹ پاکستان کے مسلمان یا پرو پاکستان مسلمان مردوں عورتوں بچوں کو ذبح کیا گیا وہاں مکتی بانی کے غنڈوں نے آلموسٹ 1 ملین کوارٹر ملین ہاف اے ملین ٹو 1 ملین مسلمان جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایسٹ پاکستان کے اندر جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے ایسے ذبح کیا گیا دریاؤں میں سمندروں میں مسلمانوں کی لاشیں ایسی گم ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گئے کدھر اس کے بعد آرمی کو ایکشن کرنا پڑا مکتی بانی کے خلاف جو 8 مہینے ایکشن چلا اور نومبر میں جب پاکستان آرمی نے تقریباً قابو پا لیا تھا مکتی بانی کو پی ایم نے پھر چاروں طرف سے انویژن کی اور وہ پاکستان آرمی جو اتنے عرصے سے بغیر سپلائیز کے جنگلوں میں لڑ رہی تھی 40,000 کی فوج کے سامنے اگر 4 لاکھ کے قریب 5 لاکھ کے قریب فوج چاروں طرف سے آئے جو کہ فلی آرمڈ ہو فلی ایئر پروٹیکٹڈ ہو بالکل پھر اس نے کیا کرنا ہے یہ پورا واقعہ اور دیکھیے اس پہ ایک عجیب و غریب شعر اور ہے
نعمت اللہ شاہ ولی کا فرماتے ہیں شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل صد کربلا چون کربل باشد بخانہ خانم. مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا, قتلگاہ بن جائے گا, اور ہر گھر میں کربلا برپا ہوگی. کیسے پکچر کھینچی ہوگی؟ دس از ڈھاکہ آفٹر 16th of December. ڈھاکہ میں جس طرح پورے شہر کے اندر انہوں نے ذبح خانے بنائے, جہاں انہوں نے پرو پاکستان مسلمانوں کو ذبح کر تماشے لگائے جاتے تھے, باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں, خاص طور پہ ڈھاکہ ریس کورس میں تماشے لگتے تھے, لوگ کھڑے ہو کے اس طرح جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا, پاکستانی سپاہیوں کو یا ہماری یا پرو پاکستان بنگالیز کو ذبح کیا جاتا تھا. ہمارے البدر اور الشمس کی جو رضاکار ملٹنٹ آرگنائزیشن تھی, مجاہدین گروپ تھے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی, بنگن بنگالیوں کی جو پرو پاکستانی تھے, اس بے دردی سے ان کو قتل کیا. کربلا کی مانند کربلا مچی تھی, لٹرلی پورے ایسٹ پاکستان میں کربلا مچی. ڈھاکہ میں تو خاص طور پہ کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ تھا, بالکل, اور اس میں شہر اعظم کی مسلمانوں کا بہت بڑا شہر مقتل بنے گا, گھر گھر کربلا ہوگی. یہ پورا یہ شہر ہم نے تاریخ پورا دیکھا ہے کہ یہ واقعہ کہاں فٹ ہوتا ہے, اور اس سے بہتر ڈیفینیشن ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ یہ 1971 میں 16 دسمبر کے بعد جو فال آف ڈھاکہ کے بعد جو ڈھاکہ میں ایک قتل خانہ بنایا گیا تھا, ایک مذبح خانہ بنایا گیا تھا پورے ڈھاکہ کو, مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر. اور پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے, یعنی در پردہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے, ظاہر میں دوست, یعنی مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے, اور اپنے گناہوں سے, اپنے ظلم سے, اپنے جھوٹے وعدوں سے کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے. دیکھیے مسلمانوں کی, جب میں نے یہی بات شیخ مجیب الرحمان کی مثال ہم نے لی, پاکستان کے سیاسی حکمرانوں کی ہم نے اس وقت بات کی کہ جو ظاہراً مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے تھے, مجیب الرحمان یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بڑا, پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈر تھے جو مجیب الرحمان کا ساتھ دے رہے تھے, سے ملے ہوئے تھے ہمارے دشمنوں اور ان سب کی سازشیں یہ تھیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بدترین خیانت کی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, جو نہ ڈپلومیسی کی گئی, نہ پاکستان کے دفاع کا بندوبست کیا گیا, جان بوجھ کر پاکستان کو سیاسی, میڈیا اور اکنامک اور ملٹری فرنٹ پہ نقصان پہنچائے گئے. سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے ایسے نعرے لگائے کہ ادھر تم اور ادھر ہم, اور جو کوئی جا کے ڈھاکہ میں اگر حکومت میں شامل ہوا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی, یہ ساری باتیں سیاستدانوں کہی ہیں. اور مجیب الرحمان جیسے لوگ جو در پردہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے, ظاہر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے بنگالی مسلمانوں کا دوست, تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں ان کی خیانت کی وجہ سے یہ شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. مگر 1971 کی وار کے بعد پاکستان ریگروپ کس طرح کرتا ہے, اس کے بارے میں اشارہ نعمت اللہ شاہ ولی جو دیتے ہیں وہ اگین حیرت انگیز ہے. یہاں پہ وہی کہتے ہیں, لشکر منگول آئے اس شمال بہر اون فارس عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود, اس پاکستان کو جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے منگول آئیں گے شمال سے, یعنی چائنیز شمال سے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے, اور ایرانی اور ترک مدد کریں گے مسلمانوں کی. دیکھیے اب کس طرح پاکستان 71 کے بعد پاکستان کو ڈیسپریٹ ضرورت تھی, تو امریکہ نے تو ہماری ساری سپلائی, وی ور ٹوٹلی انپروٹیکٹڈ, اس سے زیادہ ہم اپنی تاریخ میں کبھی انپروٹیکٹڈ, ہمارا ایک جادو جا چکا تھا, ہمارے پاس کوئی نیوکلیئر پوٹینشیل نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی ملٹری پوٹینشیل نہیں تھا, پاکستان کی آرمی ڈی مورلائز تھی, ہماری قوم ڈی مورلائز تھی, ویپن سسٹم ہمارے پاس نہیں, لیڈرشپ نہیں تھی. اس وقت تو بھٹو آیا تھا لیڈرشپ, اس کی بات تو لیڈرشپ بن گئی تھی, ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ بھٹو کی تھی کہ جس نے, اور اس وقت بھٹو نے ایک بڑے امپورٹنٹ کام کیے تھے, پہلا اس نے یہ کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام شروع کرایا, دوسرا چائنا کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے, یہ جو منگول نارتھ سے جن کو کہا گیا کہ وہ مدد کریں گے, اور ایک ریجنل اکنامک ملٹری بلاک بنایا گیا جو بیسکلی کہنے کو تو صرف اکنامک بلاک تھا, آر سی ڈی کے نام سے, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, جو پاکستان ایران اور ترکی کا اکنامک بلاک, بالکل, جس کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی ملی بہت زیادہ, جو بعد میں ایکو کے نام سے بن گیا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو نعمت اللہ جی بھی بتا رہے ہیں کہ اس فساد کے بعد جب مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر قتلگاہ بنے گا, مسلمانوں پر ظلم ہوگا, مسلمانوں کے حکمران اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں گے, اس ساری تباہی کے بعد جب مسلمان ری گروپ کریں گے تو یہ تین کنٹری, یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے, بچا ہوا مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ جو غرب کا مسلمان ہے, جب انہوں نے شرق اور غرب کے مسلمانوں کی بات کی تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات ہوئی, تو جو غرب کے مسلمان ہیں وہ ری گروپ کریں گے چائنا سے مدد لے کر, ایران سے مدد لے کر, اور ترکی سے مدد لے کر,
और वो तमाम इकोनॉमिक ब्लॉक्स और मिलिट्री ब्लॉक्स जो हमने बनाए उनकी भी एक झलक इसमें हमको इस शेयर में मिलती है कि हाउ डिड मुस्लिम रीऑर्गेनाइज अस, हाउ डिड वी रीऑर्गेनाइज अस, एंड दिस इज सो टू द पॉइंट एंड सो ब्रीफ, दिस इज सो एक्यूरेट कि पीपल एक्चुअली गेट इनटू अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ, यकीन नहीं आता कि लोग समझते हैं कि शायद ये शेयर बाद में लिखे गए, वेरी ट्रू। लेकिन ये सारे शेयर नर्स किया कि जैसे ये तमाम पुरानी किताबों में लिखे हुए हैं, हम इनको प्लेस कर रहे हैं आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स में कि ये किस दौर में कहां अप्लाई करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये काम पहले मुसलमानों ने कभी नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा काम जो तारीख में किया गया है वो नेमतुल्लाह के शेयरों को जमा करके संभाल के रखने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उनको सीक्वेंस जियो पॉलिटिक्स में अप्लाई करने के बाद अपनी फ्यूचर और प्रेजेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैपिंग कभी नहीं हुई, और ये पहली दफा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जिसमें मजीद रिसर्च की जरूरत है और काम करना है। हम मजीद वो नुस्खे तलाश कर रहे हैं जो पुराने नुस्खे, हमें यकीन है कि पुरानी लाइब्रेरीज में कहीं ना कहीं हमें मिलेंगे और जिसमें मजीद वो शेयर होंगे, क्योंकि 2000 से ज्यादा शेयर कहा जाता है कि इन्होंने कहे हैं और अभी तकरीबन 250-300 के करीब शेयर हैं जो बचे हैं। तो वी आर स्टिल इन सर्च, वी आर लुकिंग फॉर देम, लेकिन वट एवर वी हैव फाउंड इज सो फैसिनेटिंग कि हमारे अभी भी जो हमने डिस्कस किया जैसा वो भी इवेंट्स को रिलेट कर रहा है, हमारे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफी है हमारे लिए कि हम आइंदा आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट बिल्ड करें, जो मौजूदा दौर के बारे में जो हम समझते हैं कि नेमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रेडिक्शंस की हैं हम उनको भी आइंदा डिस्कस करेंगे, और खास तौर पर उसके बाद जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं जो जियो पॉलिटिक्स आइंदा बिल्ड होगी आज की दुनिया के हिसाब से जब आप उसको मैप करते हैं तो यू एक्चुअली की ज्योग्राफी जरा स्टेबलाइज हो गई, यानी हम उसके बाद से तो पाकिस्तान नहीं टूटा अल्लाह के पास, स्टेबल गवर्नमेंट जब आई है, थोड़ी सी स्टेबल गवर्नमेंट आई, एक थोड़ा सा निजाम, फिर जंग भी उसके बाद ऐसा कुछ, उसके बाद कोई मेजर जंग हमने 71 की तरह की इंडिया के साथ नहीं लड़ी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई, फॉरन पॉलिसी भुट्टो के दौर में बहुत अच्छी बनी, उसके बाद उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को रीऑर्गेनाइज किया, आरसीडी का सिलसिला शुरू हुआ, और वो जो एक झंझट था जी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का वो भी खत्म हो गया, बहरहाल पाकिस्तान एक सिंगल एंटिटी के तौर पर बिल्कुल। मगर भुट्टो की जो सबसे बड़ी गलती थी, जो तारीख की बदतरीन गलतियों में से भुट्टो की, उन्होंने दीन को छोड़ दिया, दीन अबैंडन कर दिया था। ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान टेलीविजन प्रैक्टिकली फौज फिल्में दिखाता था रात के वक्त, हालांकि एक ही चैनल था उस जमाने में, हाल ये हो गया था कि कराची की गलियों में शराबखाने खुल गए थे, कराची में सबसे बड़ा कसिनो बनने लगा था एशिया का, जो आज फनलैंड प्लेलैंड बना हुआ है कराची के साहिल पर, लेकिन उस जमाने में वो कसिनो के तौर पर, एक जुआखाने के तौर पर खुल रहा था। ये वो दौर था कि जब इखलाकी अनारकी उरूज पे जा रही थी, यानी मॉरल अनारकी, इखलाकी अनारकी, मजहब और दीन के मामले में इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और इस कदर फहाशी, बुराई और बदकारी मुल्क में फैलना शुरू हो गई थी कि भुट्टो के खिलाफ रिएक्शन में निजामे मुस्तफा मूवमेंट चलाई गई थी 77 में। उसका नाम ही निजामे मुस्तफा मूवमेंट इसलिए था कि मुल्क के अंदर इस कदर आवाज रिएक्शन, वो रिएक्शन था उसका, उसका नाम निजामे मुस्तफा मूवमेंट दिया गया। तो नेमतुल्लाह उस सारे दौर के जो वाकयात बताते हैं कि उसके बाद आने वाले, और इवन अप टिल टुडे प्रैक्टिकली, यानी उस दौर में जो माशरे का जवाल शुरू हुआ, जो डेकेडेंस शुरू हुई, जो अखलाकी जवाल आया, जो उलमा का जवाल आया, जो हमारी मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज का सवाल आया, उस सारे दौर की एक तस्वीर खींचते हैं नेमतुल्लाह शाह वली आइंदा अपने आने वाले तमाम अशार में, जो प्रेजेंट दौर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आज अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान में आपको यही हालात नजर आएंगे, मगर इसके बाद फिर मुसलमान किस तरह रीग्रुप करते हैं, फरमाते हैं कि आलिम अपने इल्म पर गिरियाजारी करेंगे, रोएंगे, और दाना लोग अपने फहम पर गिरियाजारी करेंगे, यानी जो आलिम वाले इल्म लोग हैं वो रोएंगे कि उनके इल्म को कोई सुनने वाला नहीं है, जो दानिश्वर लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे, वो पिटेंगे, रोएंगे इस बात पर कि उनका इल्म कोई सुनने वाला नहीं है, और नादान लोग उड़िया नाच गानों में दीवानावार मसरूफ होंगे, यानी नाच गाना म्यूजिक फाशी बुराई बदकारी फिल्में ये सब चीजें, नादान लोग जाहिल लोग जो है इस तरह मस्त होंगे रक्स और नाच गाना और सुरूर में कि जो उलमा है, जो दानिश्वर है, वो अपनी वो सर पीटेंगे कि ये कौम और मिल्लत का हशर क्या हो गया। ये वो ऐसा दौर आ जाएगा कि जब इल्म और हिकमत खत्म हो जाएगी, कि जब जाहिल लोग पूरे माशरे में इस तरह फहाशी बुराई और बदकारी को आम कर देंगे कि इंसान हैरान होगा कि ये कौन सा दौर, कौन सा जमाना शुरू हो गया। 71 के बाद वाले पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ये दौर शुरू हो गया था। आप लोगों ने तो खैर, आप तो बहुत छोटे हो गए, आपने तो पैदा भी नहीं गुजारे उस दौर में, मगर जो बुजुर्ग हमसे पूछेगा कि उस दौर में क्या हालात पाकिस्तान के हो गए थे। फिर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ऐसे ऐसे मुजरिमाना फेल होंगे और ऐसे ऐसे गुनाह होंगे कि बताए नहीं जा सकते, यानी
افعال مجرمانہ اعمال عاصیانہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی جو ناقابل بیان ہے، جو کہ یعنی ممکن تصور نہیں کر سکتا کوئی، ایک ہو جائے گا مطلب ایک وہ نظام شروع ہوگا اور اب اس دور کا جو زوال ہے اس کی پوری تصویر نعمت اللہ نے کھینچی ہے جو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پہنچیں گے کرنٹ دور میں کہ آج کے دور سے لے کے آنورڈز پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جیو پالیٹکس اینڈ پروڈکشنز آف نعمت اللہ ولی یہ کہاں کنورج کریں گے، یہ ہم آئندہ دیکھیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز آج آپ نے براس ٹیکس کی ایپیسوڈ دیکھی، ہم نے ڈسکس کیا اس میں پاکستان بننے کے بعد کے جتنے بھی ایونٹس تھے جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس ان کا ریسرچ مٹیریل اویلیبل تھا اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بتایا، اور اس نے ایک بیس سیٹ کر دی. ڈیفینیٹلی ہم آنے والے پروگرامز کے اندر جو گفتگو کریں گے فیوچر ایونٹس کے حوالے سے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.